गाइस यहाँ पे पूरा हमारा साफ सफाई चल रहा है। आज छुट्टी है, बेबी आता है। गुड मॉर्निंग मेरी बेबी बेबी कुछ कुछ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये भी क्लीन कर रहा है। आज देखो इसका भी थोपड़ा, मेरा ब्लॉग में व्यू ही आओ देना। अब ये लाए दिखाएंगे ऑन पर इसको गुड मॉर्निंग पापा, यहाँ गुड मॉर्निंग भन्दिन नि पापा, किधर गया भन्दिन, यही छु भन्दिन न बाबा। आज घुम्ने जाएंगे ना हम लोग, चलिए यहाँ 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 पापा ये लाउनु नि अन्त नयाँ लाउनु न अन्त। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स पीपल, दिस इज अभिषेक रॉय एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोर्खी बॉय ब्लॉग्स। तो कैसे हो गाइस, आई होप कि सब अच्छे होंगे, तो अच्छा ही रहे ना। एंड आज का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है मेरा घर से। अभी हम लोग निकल रहे हैं पोर्क लेने के लिए। एक्चुअली आज छुट्टी है ना, तो पोर्क खाने तो बनता है गाइस, क्योंकि हमारा जो है फेवरेट, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो खाना तो बनता है, क्योंकि ना एक्चुअली हम लोग ड्यूटी में उतना अच्छा सा खाना वगैरह गर्म गर्म खाना को नहीं मिलता है। तो छुट्टी में एक बार अच्छे से खाना खाओ गाइस, अगर कोई भी काम करते हैं परदेश में है ना, जब छुट्टी रहता है अच्छे से खाना वाना घर पे बना के खाना चाहिए ना बाबा। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, ड्यूटी में भी अच्छा नहीं मिलता है, ठंडा हो जाता है ना यहाँ से लेके जाने के 2 बजे हम लोग खाना खाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो घर में एक बार अच्छा से गर्म गर्म खाना है ना बाबा। और पापा जी ना मॉर्निंग मॉर्निंग किधर किधर जाते हैं हमको मालूम ही नहीं, वॉकिंग पापा जी का, हाँ वॉकिंग जाता है पापा एवरीडे जाता है। हम लोग जब उठते हैं तब तो पापा तो पूरा बैंगलोर घूम के भी आ चुका होता था, होता है घर पे और हमको उठा था। आज तो हम लोग 11 बजे तक उठा। एंड थिंग इज गाइस वीडियो को फुल देखना, एंड जितने भी नेपाली व्यूअर्स है गाइस प्लीज सपोर्ट देना, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तपाईँको भाइलाई। ओके सो ये है सिद्धापुरा और मैं यार पापा जा रहा हूँ मीट लेने, जो कि ऊपर में मिलता है। मीट लेके आएंगे पापा, उधर भी जाएंगे ना साग लेने, खेत में जान पर्छ ल साग लेने को लागि। ये सिद्धापुरा हजुर, हजुर खेत में जानु, साग पाउँदैन होला दोकानमा त, दोकान त बेलुका है, दोकानमा त बेलुका नभए उहाँ तल पाउनु सक्छ, थियो भने ठिकै छ। यहाँ ऊपर रहे त हाम्रो राजेश दा, हाम्रो उता दार्जिलिङकै हो। के गर्छ यहाँ पे आ रहा है पानी का ट्याङ्कर, निचेमा पानी का सोर्स है ना, तो यहाँ से पानी वगैरह लेता, लेकिन पीने वाला पानी नहीं है। पीने वाला पानी यहाँ पे मिलता है हमारा, यहाँ पे कि 10 रुपये में एक बोतल मिल जाता है। 15 लिटर होला नि बाबा त्यो, कि 20 लिटर हुन्छ हौ यहाँ हामीले खाने पानी, 15 होला है यहाँ पे मिल्दै। हामी लोग 10 रुपियाँमा भर के लेके जाता है यहाँ पे, देख सको सिद्धापुरा बेङ्गलोर में, बेङ्गलोर का सिद्धापुरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है, जो कि इन लोग का ना जो मंदिर का जो शेप वगैरह इसी टाइप के बनाता है, बहुत ही अच्छा होता है यहाँ। पापा जी जो यहाँ पे चल रहा है, आज हम लोग घूमने भी जा रहे हैं मेरे पास, हम लोग सब वीडियो में देखना गाइस, अगले वाला वीडियो में आएगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज ट्री पार्क जा रहे हैं काठगुड़ी, यहाँ से नज़दीक नहीं है। यहाँ पे फिर के होने आटे, पूजा होने आटे रहे, देखो गाइस यहाँ पे फिर से पूजा होने वाला है कुछ। यहाँ पे पूरा टाइमिंग लाइट वगैरह डाल रहा है, सकते हो पूजा होने आटे रहे हाई, सायद ओपनिंग हो कि हाई, ये मंदिर को ओपनिंग भी हो सकता है के होला त होला त, ए हो हजुर हजुर, यहाँ पे बिल्डिङ बनिँदै रहेछ फेरि है, यहाँ पे बिल्डिङ बन रहा है यहाँ पे, जैसे क्या। और यहाँ आ गया मेन रोड, व्हाइट फील्ड का जो मेन रोड है यही है, और उस तरफ गया तो वो नलोली रोड आएगा। हाँ ऐसा वाला बेकरी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ये देखो यहाँ पे चाय वाई बिस्किट बिस्किट केक वेक पूरा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा होता है बेकरी। तो अभी हम लोग को जाना है अपोजिट साइड में, उस तरफ जाके उस तरफ है दुकान, ये देख सकते हो बस का यहाँ पे, 1 मिनट रोड क्रॉस करेंगे। यहाँ पे है जस्ता, यहाँ पे हमारे दा फिर हजार यी मैसेज होने आगे छुट्टी हजू मासु सुँगुरको, ल हुन्छ हामी त मासु खाऊँ भनेको, ए यहाँ त है आज त खत्तम रहेछ त हौ, हेलो न ए राम यतापट्टिको राम्रो रहेछ बाबा, यो आउनु त बाबा, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ हौ,
ये यो रैम से नहीं ये तो गए ना ये तो पैस कोड़े या 200 उतना खास तो नहीं है फिर ठीक ठाक है चलेगा लेकिन ये तो पैस कोड़े ना बोन साल पकड़े या ये तो जस्ती बोन आई तो बेड़ा ना ये जस्ती भोगना ही तो अभी हम वापस जा रहे हैं मासू वासू लेके चिकन जी पर लेके जा रहे हैं वापस। अभी यहाँ से हम लोग को रोड क्रॉस करना है उस तरह। मजाक रहे मंदिर है ओके सो अभी हम लोग मीट वीट लेके वापस जा रहे हैं घर। लेकिन हम लोग का वो भी लेके जाना है, फ़ोन किया था बेबी ने, एक जीरा पाउडर एंड लहसुन लेके जाना है। पर दीजिए ना हम लोग यहाँ से 10 रुपये वाला, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, 30 वाला ही देता ना फिर हम यहाँ से खाते हैं। सौदा वगैरह कुछ भी लेना है तो यहीं से लेता है, चावल वगैरह सब। चावल आया बोया वो जीरा बोला, लेकिन बहुत महंगा बोल देना भैया जी। बोला भैया देखो 10 रुपये का 33 बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। 10 रुपये का महंगा था 30 देते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, घर का है आपका राजस्थान ना? चावल हम लोग 40 रुपये बेचा, वो 60 रुपये रेट है। क्या करे, किसको बोलेगा। चलो चलो सब लोग बेंगलोर, हम भी राजस्थान से आए, सब आ गए ना। रेट क्या करेगा, बड़ा खेती करने वाला कम हो गया, चलो खेती करे कम हो जाएगा रेट। चलो चलो भाई राजस्थानी भाई है खतरनाक होता है, लोग खतरनाक नहीं होता, अपना अपना है ना बिजनेस पॉलिसी, बहुत ही अच्छा लेडीज पार्लर अब तो चल देना पाए। यहाँ पे नीचे एक मंदिर है हनुमान मंदिर, सो मैं उसको ना थोड़ा सा वहाँ जाके चेक करना, पहले ये जो ना पहले यहाँ पे लहसुन देखना है एंड शाग देखना है, शाग मिलेगा कि नहीं, नहीं तो फिर खेत जाना पड़ेगा पापा तो आप और हमको। लहसुन एक्स्ट्रा पैदा करना थे। अभी टमाटर कितना केजी है ना, 100 बैंगलोर में अभी 100 हो गया टमाटर, 24 ओके गाइस। सो यहाँ से हम लोग ने जीरा पाउडर एंड जीरा पाउडर तो ऊपर ही खरीदा, अब यहाँ से लहसुन लिया और ये देख सो मंदिर मंदिर का थोड़ा सा वीडियो लेना चाहता था, है ना, यहाँ बाहरबाट टक्का वीडियो मात्रै गर्नु क्या। जो आपने अभी मैंने लिया वो हनुमान मंदिर, यहाँ पे ना मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत मानता है यहाँ पे भगवान को सबको मानता है यहाँ पे, लाइक पूजा तो बोले मत, एवरी मंथ पूजा होता है यहाँ पे पूरा, ढोल वोल बजा के। एंड वहाँ पे ना हम लहसुन लेने गया था, लहसुन लिया सब लिया एंड टमाटर पूछा था 1 kg का 100 रुपीज़ हो गया पापा ना, बढ़ रहा है ना अभी, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है इतना, महंगाई कहाँ कहाँ पहुँच गया देखो, आसान नहीं है परदेश में। 100 रुपीज़ kg हो गया टमाटर। और पापा जी बोलेगा था अभी हम लोग जा रहे हैं खेती जा रहे हैं, खेत जा रहा है जहाँ से हम लोग अभी साग लेना है, राय साग ओके। एंड
पापा जी बोल रहे हैं आपको टायर्ड नहीं हुआ, बोला था पापा जी जितना चलो ना उतना हल्का हो जाता है, पापा जी को चलने का मन करता है। भाई बोलो मत, हमको तो पापा जी से जितना चलो ना हमको तो बहुत थक जाता हूँ मैं तो। ओके सो अभी मैं और पापा जी जा रहा है साग लेने, है ना पापा? हमारा सुरेश भैया यहाँ पे क्या हो, सो साग बंद है उधर बंद है मान्छे छैन? ओके ओके ल त्यसो भए थ्याङ्क यू ल ब्रो। फुटबल खेल्नु जाँदैछ? फुटबल खेल्नु हाम्रो क्याप्टन ऊ फुटबल प्र्याक्टिस गइबस्छ नि। प्र्याक्टिस जाँदैछौ भन्दा कहाँनिर कहाँनिर जाँदैछौ? ए यहाँ गएको छैन पापा? पापा यता आउनु, यता आउनु पापाले। ल ल ल ल भाइ यहाँ चाहिँ स्ट्रेट जाँदै पानी ल्याउनुको लागि क्या निचे किन्ने पानी भनौँ, यो त्यो ट्याङ्कर यहाँ लुगाहरू धुने उयो गर्ने पानी फाल्टो पानी फाल्टो पानी त्यो लुगाहरू धुनु हो गर्नु। सो अभी साग में तो बंद है बोल रहे, बंद तो नहीं है उधर आदमी एक भी नहीं है बोल रहे। चलो अभी घर पहुंच गया हम लोग। सो अभी हम लोग घर पहुंच गया, ये देख सकते हैं मेरा बेबी। ओके सो एक्चुअली ना हम मैं और पापा जा रहा था साग लेने के लिए, लेकिन वहाँ से दोस्त भी आ रहा था वो भी साग लेने के लिए जा रहा था, लेकिन क्या हो गया उधर कोई भी आदमी नहीं है, थोड़ी देर बाद आओ बोल के उसी उन लोग को भेज दिया, तो हम भी नहीं गया। फिर नहीं तो फिर जाना सिर्फ जाना पड़ता था ना पापा, जानु मात्रै पर्थ्यो हामीलाई है त्यहाँ। पापा जी न भाइ खतरनाक हजुर पापा जी बोल रहा था साग तो नहीं मिलेगा बोल के। बेबी क्या कर रहे हो, साग नहीं मिला? बारी पनि गइरहेको है बाबा, बन्द छ अरे लोकलाइन कर रहा है घर थक्या, बाद में मिलते गाइस। तो अभी हम लोग साग लेने जा रहे हैं। ओए पोचा हान छिटो हान, पोचा त्यहाँ पोचा हानिहाल देखो हिरो बन रहा है। ओके सो अभी हम लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, लोकेशन जा रहे हैं साग लाने के लिए मेरे पापा जी। ए गाड़ी की चाबी लाने बिर्सी जगह रहे। ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं साग लाने के लिए, क्योंकि जो इधर में साग नहीं मिल रहा है तो तुब्रली जा रहे हैं हम लोग। जाऊँ बाबा साग को लागि तल फुट्नु पर्ने है हजुर, बाइक में जा रहे हैं मेरे पापा। अब मैं मोटर ब्लक करते हुए जाऊँगा वहाँ पर साग जो है अच्छा, क्योंकि पर्क के बिना साग तो अधूरा है ना, तो साग के बिना पर्क भी अधूरा है, साग के बिना पर्क अधूरा। तो अभी लेके जा रहा है इसको, हम तो जाएंगे मैं और पापा। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए वहाँ पे साग जुम ना आउनु त आउनु आउनु पर्दा यहाँ पे है साग एक ही नहीं छ के ओ रहेछ 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 हे हे यहाँ रहेछ हौ यहाँ रहेछ हैन हैन देखो राय साग क्या चाहिए हम लोग को, सब तो मिलता है बेंगलोर के, राय साग इसकोस सब मिलता है, लेकिन टेस्ट उधर का जैसा नहीं होता, लाइक बोलते हैं सिमिलरिटी होता है। ये ला जाऊँ ना 30 दिन तो पापा पापा जी देगा देगा बोल रहे हाँ कर ना अंदर पापा जी फोन पे करेगा अभी यहाँ पे। आज जो भी चीज़ ले रहा हूँ ना मैं पापा ही देगा देगा ही देगा, लाइक मीट का भी पापा ही देगा बोल रहे, इधर मसाला लिया वो भी पापा ही देगा बोल रहे, लेकिन मैं ही दे सब। चलो अभी अभी साग का दे रहा है क्योंकि जो फोन है मैं मोन किया हूँ तो पापा साग का दे रहे हैं पैसा, अरे उसको बैग में डाल देंगे। ये जो है हमारा अन्ना इधर का, यहाँ पे हर रोज़ दुकान लगाता है, अरे मेरे को गवर्नमेंट बस तो बुरा लेकर जिस प्रकार दिखता है भैया भाई भाई है तपाईँलाई के मनपर्छ, प्याज कलीहरू मन पर्दैन होला होइन जाउँ है। चलो अम्बक पनि लिएको अब खानु खानु, तर पाकेको रहेछ अमृत भाइ पैसा एक स्टप त्यो पर त्यो सिग्नल जस्तो आउँछ नि यसो तिनवटा बाटो भएको, त्यहाँबाट लेफ्ट साइड जानुपर्छ बाबा
हजुर 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 ये टैंकर देखो पानी है यहाँ पे और पूरा मोटर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे पानी ऐसे करके जमा होता है यहाँ पे बैंगलोर पे। चलो इसको बंद करो, ये पीने वाला पानी नहीं है, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, बस चलाने के लिए, बर्तन वर्तन पीने के लिए, पीने के लिए खरीदना पड़ेगा ना। ओके सर, उसको हिंदी उतना नहीं आता है। सो यहाँ पे जो बन रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, पानी जब ख़त्म होगा तब लेने। और गाइस पहले हम घर पहुंच गया और थक भी गया। आज का मौसम ना गाइस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा बादल वगैरह पूरा काला पड़ा हुआ है, बारिश नहीं, आई थिंक हो सकता है बारिश, क्या कैसा हो रहा है ना, छोटा 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 करके बारिश हो रहा है यहाँ पे, कैसा हो रहा है इसी। अरे देखो पूरा क्लीन करवाया है मेरा, मेरा बेबी और भाई ने पूरा क्लीन किया है, पोछा मोछा भी मार चुका है यहाँ पे, अभी खाना बनाएगा, खाएगा सोएगा। देखो गुड बॉय खाना बना रहा है यहाँ पे, ये जो है खाना बहुत अच्छा बनाता है गाइस, अभी खाएंगे यहाँ पे सुंगुर का मासु, ये जो है यहाँ पे बन रहा है। क्या करेंगे भाई, हैं तो बनो सस साग जीते बैग बड़ा खोक्नु छोडेछ नस बुला फ्यान्टा के हो को के फ्यान्टा भन्छौ हेर तिमीले भनेको थियौ भनेछ नि रे गाइस, रातभर ये खास रात हैन के भन्छ बि खास रात हैन रातभरि खोक्दै थियो हो, अहिले फेरि फ्यान्टा सोध्दैछ, चिसो फ्यान्टा राति दुई तिन पल्ट खोक्यो, फेरि हामीले सोधेको खोकेन अरे, हामीलाई जित्तो खोज्छ अम्बो रेट कस्तो हामी कहाँ बच्चे लग्न भाइ। चलो अभि मिल्थे थोडी देर बाद, अभि नहा धोना है मेरो को भी, नहा धोके फेरि फ्रेस होना है, फ्रेस होकर खाना वाना खाना है, तो घूमने जाना है ट्रिप पर। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे पक रहे हमारा पोर्क एंड साग, ठीक है, यहाँ पे राइस बन चुका है, पापा जी है वहाँ पे मॉल बना रहे हैं, एंड भाई जो है यहाँ पर पबजी खेल रहे हैं, बेबी जो है नहाने के लिए गए, और मैं जो हूँ नहा के पूरा रेडी वेडी हो चुका हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, क्योंकि 2 बजने वाला है गाइस, फटाफट खा के हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए, वो लेकिन दूसरा ब्लॉग में आएगा, सो स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो गाइस अभी मैं पापड़ फ्राई कर रहा हूँ, पापड़ फ्राई करिए, देखो ये पबजी खेल रहा है, देखो छुट्टी में तो कम से कम बनाना चाहिए ना, ओए तो राखी हाल अभी कराला नहीं भाजी इधर ना गाइस, पापड़ भी ऐसा मिलता है, उतना खास नहीं होता यहाँ का पापड़ भी, और मुझे ना उधर का जो पापड़ है, जो लिज्जत पापड़ है ना, बड़ा बड़ा वाला, वो बहुत खाने का मन कर रहा है, मैं ना भूल गया, मैं एक्चुअली बीबी को वो बोलना भूल गया, पापड़ बोलना भूल गया, एंड क्या है वो टॉप बिस्किट होता है ना जो बिग्स फार्म का, इधर पे मिलता है बट उधर इधर का उतना जैसे वहाँ का जैसे टेस्ट नहीं होता है, तो वो भी भूल गया मैं, बहुत खाने का मन करे वो बिग स्राम का बिस्किट, मैं ना हम लोग जब उधर में जब चाय के साथ हम लोग खाता था ना, मैं पूरा लाइन एक लाइन पूरा खा देता था वो बिग स्राम का, ज़्यादातर मुझे बिस्किट्स वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वो बिस्किट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट भी नहीं होता ना, वैसा वाला बिस्किट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कैसे अभी मैं पापड़ बनाने जा रहा हूँ, पापड़ बना के वो भी नहा रहा है, एंड भाई पबजी खेल रहा है, पापा जी वहाँ पे मॉल बना रहे हैं, अगर यहाँ से आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पापा जी क्या कर रहे हैं भाई, पापा ना बेचारा हो ना बैठ बैठ के बोरिंग होता है घर पे ना, वो कुछ ना कुछ करते रहता है, तो यहाँ पे वो फूल भी देखा, फ्लावर भी देखा, एंड मॉर्निंग ना वो मॉल भी लाया, मॉल खुद लाया, एंड ये मट्टी भी लेके खुद बना रहा है वहाँ पे, भाई इज अ इंस्पिरेशन फॉर मी, अभी के लिए अभी देखो ना जैसे होता है बेचारा एक्सरसाइज चाहिए वो, उसको ना पापा को ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, एंड मुझे ना पापा को हर बार लाइक वीडियो वगैरह करने में ना थोड़ा सा दिक्कत लगता है, लाइक अच्छा नहीं लगता है, को अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ मैं लाइक वीडियो में लाने के, थोड़ा बहुत ही क्लिक करता हूँ, सो अभी मैं यहाँ पे पापड़ बना रहा हूँ। चलो गाइस मैंने ये पापड़ वापड़ भी बना दिया हो, और अभी ना हम खाना वाना खाएंगे, बेबी जो है नहा रहा है, मेरा बीबी मेरा वाइफ, और सो नहा धो के हम लोग फिर खाना खाएंगे, खाना खाना खा के पूरा घूमने निकलेंगे। यहाँ पे खाना परोस रहा है हमारा श्रीमती जी, राम्रो रहेछ त मासु है, ठिकैको है, ठिकैको छ बोसो, कम्ती छ बोसो, पाक्दा त राम्रै देखेँ त बाबा, मासु पाक्दा त राम्रै देखेँ त, अलिक पतला खाले थियो, बोसो चाहिँ छैन, एकैकडा होला बोसो चाहिँ, मन पर्दैन अरे यसलाई बोसो,
कसो खान्छ अहिले है भुइँ बस बहुत खाता है बस राई हो राई अन्त के अन्त खानु पऱ्यो नखानु टेस्ट गरौँ त कस्तो भएछ लु खाए बाबा ल बोसोसँग खाइदिउँ एउटा दाल खान्न होइन सब्जी अहिले होस् नुन कम्ती भयो क्या सेटिस भइसक्यो त मासु त मैले ब्रस गरेर हो कि खाते क्या मैं तो खोर्सानी डल्ले पेस्ट बेबी ले खाएको बनाएको यता हेर बेबी हम लोग छुट्टी में ऐसा ही खाना खाते हैं गाइज ये बार में मेरे को खाना खा लिया फटाफट अरे अमरुद अभी खाएगा मैं एक खाइद झिंगा पसक तर यहाँ मैं तो हिल बस देखो पापा जी इसमें अब मिर्ची डाला है लंबा वाला अरे एलोवेरा ना हम लोग जब उधर वर्तूर में बैठा था तब लिया था देखो अभी ना ये छोटा छोटा ही बचा है बड़ा वाला जो था गिर के ना कहाँ कहाँ पहुँच गया है और इसका जो है बहुत जगह पहुँच और ये जो है हमारा सांडू भाई ने बनाया था अभी लेकिन मर गया था अभी ये अच्छा हुआ है यहाँ पे और ये देखो पापा भी चेंज कर दिया अरे हम लोग को विकास बिना नहीं दिया था सबके घर से एक 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 करके ले आए हम लोग ने और ये ऊपर टेर इसमें किसी का था वो लेके आया वो ऐसे मर रहा था अरे डल्ले खुर्सानी है अरे यहाँ पापा जी और पीट रहा है मिक्स कर रहा है और रात का वेदर देख सकते हो गाइस कितना अच्छा हुआ है ओके सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बी सेफ गाइस तब तक के लिए गोर्खे भाई ब्लॉग देखते रहिए सभी को दे रहे माय नेक्स्ट टेक केयर